हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक बैरियर एंड इम्प्रूवमेंट्स पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैरियर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पढ़ना। उससे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, कैसे मिसकम्युनिकेट होता है, कैसे उस मिसकम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं और कैसे उन बैरियर्स को हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है हमारा कि देखो, दो या दो से अधिक लोगों को आपस में अगर आप इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और डेटा को एक्सचेंज करते हो तो वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। पर सदैव ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप एक सेंडर जिस फॉर्म में देखिए, एक सेंडर जिस फॉर्म में मैसेज भेज रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मैसेज रिसीवर को उसी फॉर्म में मिले। ठीक है, यानी कि अगर सेंडर ने मैसेज को जिस फॉर्म में क्रिएट किया है उसी फॉर्म में अगर रिसीवर समझे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, सक्सेसफुल माना जाता है। पर अगर वो सेंडर की जो मैसेज का जो फॉर्म है उसको रिसीवर नहीं समझ पाता है, तब जाकर हमारा मिसकम्युनिकेट क्रिएट होता है, मिसकम्युनिकेशन। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं बीच में आई जिनकी वजह से सेंडर ने जो जैसा फॉर्म भेजा था मैसेज का, वैसा रिसीवर को समझ नहीं आया। यानी आज हम उन्हीं बाधाएं यानी उन्हीं बैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है जिनकी वजह से कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होना रह जाता है। देखिए, संदेश अनेक अवरोधों या बाधाओं के कारण अपना अर्थ खो देते हैं तो इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि एक मैसेज बैरियर की वजह से अगर अपना ओरिजिन जो फॉर्म है उसको ही कहीं खो दे तो तब जाकर वो हमारा मिसकम्युनिकेशन होता है। तो चलिए देखिए एक मीनिंग देख लेते हैं मिसकम्युनिकेशन का। ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर इन इट्स ओरिजिन फॉर्म, then such a abstract and ruined form of the message transmitted is called miscommunication। yani ke aneka anek avrodhon ke karan jab preshak dwara preshit sandesh apne mool roop mein praptkarta tak nahi pahunch pata hai to is prakar se sanchrit vikrit sandesh hi mithya bodhit yani bhramit sanchar mana jata hai। तो चलिए अब वो बाधाएं क्या होती है, किन कंडीशन में क्रिएट हो सकती है, वो सारी चीजें देखते हैं। बाधाओं का मतलब तो समझ आया, बैरियर्स का मतलब यानी कि सेंडर ने जिस फॉर्म में मैसेज को भेजा है अगर रिसीवर को नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता के बीच मार्ग की वे बाधाएं जिनके कारण संदेश अपना मूल स्वरूप खो देता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी वे होता है, जो भी चैनल है, अगर उनके कारण या फिर सेंडर और रिसीवर के बीच के वे में ऐसी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनके कारण जो मैसेज होता है वो अपना ओरिजिन फॉर्म वहीं खो देता है, ओरिजिन फॉर्म उसका खत्म हो जाता है, वो हमारा होता है बैरियर्स। चलिए अब हम एक सरकमटेंसेस देख लेते हैं संचार अवरोध की परिस्थितियां और दशाएं। सरकमटेंसेस के कौन कौन सी कंडीशन में हमारे बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, सरकमटेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, एक एक को डिस्कस कर लेंगे पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहली है रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर।
रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच का संबंध, वो भी आपके उन कंडीशन में भी बैरियर हो सकता है। कैसे देखते हैं, यदि संदेश भेजने वाले यानी सेंडर तथा प्राप्त करने वाले यानी रिसीवर के बीच में घनिष्ठता नहीं है, विचारों को व्यक्त करने में कोई भावनात्मक संघर्ष आड़े आ रहा है, अथवा प्रेषक संदेश की विषय सामग्री के बारे में ही निर्णय नहीं ले पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में संचार अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और संदेश भ्रमित हो जाएगा। यानी कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कोई टर्म्स अच्छे नहीं है, तब जाकर वो सेंडर ये सोच नहीं पाएगा कि रिसीवर इसका फीडबैक कैसे देगा, कैसे मैं अपने मैसेज का फॉर्म चेंज करूँ या ओरिजिन जो फॉर्म है कैसे मैं उसको अंडरस्टैंड करवाऊँ, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है बैरियर। सेकेंड है लैक ऑफ वोकैब, लैक ऑफ वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार की कमी। यदि संदेश बनाते समय सेंडर को अगर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो उसके एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण इफेक्टिव मैसेज क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो इससे हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर है लैक ऑफ प्राइमरी नॉलेज ऑफ ग्रामर यानी के व्याकरण के सामान्य ज्ञान की कमी। प्रेषक को यदि विराम चिन्ह आदि के प्रयोग का ज्ञान या अन्य व्याकरण से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है, ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है, तो भी एक बाधा मैसेज में उत्पन्न हो सकती है। फिर है हमारा मूड, क्या मूड सेंडर और रिसीवर के मैसेज के लिए बैरियर हो सकता है? जी हाँ, जब सेंडर मैसेज भेज रहा है तो वो ऐसी दशा में ना भेजे जिसमें उस मैसेज को तोड़ मरोड़ कर भेजा या तोड़ मरोड़ कर लिखा जाए। यानी इन शॉर्ट कि अगर एक सेंडर का मूड सही है तो वो अपने मैसेज को बेटर से बेस्ट तरीके तक ले जाएगा, अदरवाइज अगर उसका मूड सही नहीं है, मनस्थिति सही नहीं है, तो रिसीवर भी फीडबैक सही से नहीं दे पाएगा और सेंडर मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है? जी हाँ, यानी पृष्ठभूमि के किसी भी मामले में जब संदेश दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो उस मामले की पृष्ठभूमि उसके अर्थ को प्रभावित करती है। यानी उस जो भी मैसेज है उसका बैकग्राउंड उसको इफेक्ट करती है। पहले से यदि नकारात्मक संदेश प्राप्त हो रहे हैं तो धनात्मक संदेश प्राप्त होने पर आश्चर्य या शंका के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग से ही हमको अगर डे वन से ही अगर हमको किसी सेंडर से नेगेटिव मैसेजेस ही मिल रहे हैं और सडनली अगर कोई भी पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है तो उसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर है रिसीप्ट ऑफ मोर देन वन मैसेज इन वन टाइम, एक ही समय पर एक से ज्यादा मैसेजेस मिलना, ये भी एक बाधा है। ये कैसे बाधा हो सकती है? क्योंकि एक इंसान एक मैसेज को एक ही टाइम पर रिप्लाई या फीडबैक या समझ या पढ़ सकता है, इसकी जगह पर अगर उसको एक ही समय पर बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं तो वो एक भी मैसेज का ढंग से फीडबैक नहीं दे सकता है और ना ही वो समझ सकता है। ये थे हमारे कुछ कंडीशंस जिनमें कि बैरियर क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला था हमारा रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेकेंड था हमारा लैक ऑफ वोकैबुलरी, थर्ड था हमारा लैक ऑफ प्राइमरी नॉलेज ऑफ ग्रामर,
फोर्थ हमारा मूड एंड फिर नेक्स्ट था हमारा बैकग्राउंड एंड लास्ट है रिसीप्ट ऑफ मोर देन वन मैसेज, एक मैसेज से ज्यादा मैसेज मिलने पर। ये थी हमारी कंडीशन। अब हम इनके बैरियर्स पर आते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट है आज का वो है हमारे बैरियर्स। बैरियर्स को हमने क्लासिफाइड किया है। चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। साइकल फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स यानी भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध। सेकेंड है हमारा सिमेटिक बैरियर्स यानी भाषा संबंधित अवरोध। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी संगठनात्मक अवरोध। फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर यानी ज्ञानात्मक अवरोध। चलिए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनमें फिजिकल एंड मैकेनिकल में आता क्या है। वैसे कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स, ये सबसे पहला पार्ट है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। सबसे पहला इसमें जो आता है वो है नॉइज यानी शोर। किसी भी संचार शोर से उत्पन्न जो भी आवाज या जो भी शोर होता है उससे इफेक्ट करता है। जैसे शोर में शोर बहुत से हो सकते हैं, मानवीय शोर, ट्रैफिक के कारण जो भी शोर है, या फिर टाइपराइटर कीबोर्ड पर हम जो खटखट की आवाज आती है वो, बिजली के पंखे कूलर, किसी भी यंत्र के कारण, किसी भी टूल के कारण अगर आपको आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, तो वो आपका मैसेज में बैरियर क्रिएट कर सकता है। सेकेंड वन है हमारा पुअर लाइटिंग, कम रोशनी। कम रोशनी भी आपका एक बैरियर है कि खराब अथवा कम रोशनी के कारण प्राय लिखित संचार या सांकेतिक संचार बाधित होता है। यानी पुअर लाइटिंग की वजह से आपका जो रिटन और नॉन वर्बल होता है वो आपका खराब हो सकता है इससे। फिर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि कारखानों में प्राय विभिन्न पारियों में शिफ्ट में काम होता है, प्रत्येक शिफ्ट में स्टाफ चेंज होते रहते हैं। इस समय अवरोध के कारण से उचित प्रकार से संचार नहीं हो पाता है। टाइम के अलावा सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना भी एक बैरियर हो सकता है। टेलीफोन या इंटरनेट की सुविधा हर जगह पॉसिबल नहीं है, ऐसे में डाक सुविधा में भी गड़बड़ी होने से संदेश में देरी हो सकती है। फिर है हमारा डिफेक्ट इन मीडियम, संचार के जो भी चैनल्स है उनमें भी कभी खराबी हो सकती है, उनमें भी दोष हो सकता है, तो उनकी वजह से भी आपका संचार इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी, एकांत भंग करना। डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी यानी एकांतता भंग करना। यदि मीटिंग चल रही है और अचानक हड़ताल या फिर कोई विस्फोट या फिर टेलीफोन या मोबाइल का रिंग या फिर ऐसी कोई सडनली इमरजेंसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपकी एकांत भंग हो जाएगा और यह भी एक आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर एक्सेसिव मैसेज यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मैसेजेस आ रहे हैं जिनका आप ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। यानी अत्यधिक संदेश, वैज्ञानिकों का कहना यह है कि मानव मस्तिष्क की संदेश ग्रहण की भी एक सीमा होती है। यानी
कि एक इंसान की कैपेसिटी होती है माइंड की कि वो एक टाइम पर कितने मैसेजेस का फीडबैक दे सकता है। उस लिमिट के बाद अगर आप किसी भी पर्सन को मैसेज सुनाओगे तो सिर्फ वो इफेक्ट सुनेगा, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगा, और जब तक इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगा मैसेज का ओरिजिन फॉर्म गायब रहता है। फिर लास्ट है आपका लेस मैसेजेस, ज्यादा आए तो भी बैरियर हो सकता है। अल्प मैसेजेस आए यानी कि संदेश छोटा, यानी यदि संदेश अत्यंत कम मात्रा में ग्रहण किया जाए तो उसके निथार्थ को समझने में कठिनाई आ सकती है, यानी कि आपका मैसेज बहुत ही शॉर्ट है तो उसको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है कि सेंडर क्या कहना चाहता है और रिसीवर उसको क्या फीडबैक दे। क्लियर है यहाँ पर? ये थे हमारे फिजिकल बैरियर्स। सबसे पहला था फिजिकल में नॉइज, सेकेंड था हमारा पुअर लाइटिंग, थर्ड था टाइम एंड डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट था डिफेक्ट इन मीडियम, डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी, एक्सेसिव मैसेजेस एंड लेस मैसेजेस। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स, ये यही खत्म हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। सेकेंड है हमारा सिमेटिक बैरियर्स, यानी भाषा संबंधित अवरोध। क्लियर है? चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भाषा संबंधित बैरियर में। यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स के संचार शब्दों के माध्यम से ही होता है, चाहे शब्द बोले जाए या लिखे जाए। शब्दों के प्रयोग के आधार पर अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी आसानी से हो सकता है सेंडर ने जिस फॉर्म में जिस शब्द का प्रयोग किया है रिसीवर उसकी बजाय कोई अन्य अर्थ समझ ले तो हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, जैसे मल्टीपल मीनिंग का एक एग्जाम्पल दे रही हूं, लेफ्ट माय फोन। ठीक है, अब लेफ्ट माय फोन का मतलब छोड़ भी सकता है और लेफ्ट यानी के बाया साइड, लेफ्ट साइड भी वो रिसीवर समझ सकता है। इसलिए हमको मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको उसका मीन भी साथ में एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है हमारा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्शन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन प्रिटेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी के शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, यानी जो शब्द होते हैं वो हमेशा सेंटेंस क्रिएट करते हैं और कभी कभी वाक्यों की लापरवाही से प्रयोग करना संदेश प्राप्त करता यानी रिसीवर के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल है कि एक जो इलेक्शन का रैली चल रहा था उसमें एक पॉलिटिशियन ने कहा हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जहां गरीबी के लिए कोई स्थान नहीं होगा, हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा। नेताजी की इस घोषणा से कुछ गरीब मतदाता उलझन में पड़ गए कि इनकी सत्ता आने के बाद तो उन्हें उस राज्य से निकाल दिया जाएगा, जबकि नेताजी का मतलब ये था कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, यानी कि सभी लोग अपनी जीविका को, यानी सभी लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी और गरीब रहना नहीं पड़ेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा, तो मतलब दूसरा निकल सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनक्लियर अजम्पशन, अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लियर अजम्पशन, यानी कि कभी कभी जो प्रेषक होते हैं
वो ये मानकर संदेश भेजता है, सेंडर ये मानकर मैसेज भेजता है कि जो मैसेज की बैकग्राउंड है या कुछ ऐसी बातें हैं मैसेज के बारे में जो रिसीवर जानता है, पर रिसीवर को ऐसा लगता है और रिसीवर जानता रिसीवर को ऐसा लगता है कि वो उस मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ओरिजिन में भी ओरिजिनली यही होता है कि रिसीवर उस मैसेज के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कि सेंडर का ये अजम्पशन है कि उसने ये मान लिया कि रिसीवर को इस मैसेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता है। तो ये भी हमारे लिए एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ डिनोवेटिव एंड कॉनोटेटिव वर्ड्स, यूज ऑफ डिनोटेटिव एंड कॉनोवेटिव वर्ड्स, यानी सूचक और आधिक्य सूचक शब्दों का प्रयोग करना, वो भी हमारे लिए बैरियर हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं हम। वर्ड्स के शब्दों के अर्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, सूचक या अधिसूचक। जब शब्द से कोई नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी बोध नहीं होता है तो ऐसे वर्ड्स को डिनोवेटिव माना जाता है। इनसे केवल वस्तुओं के नाम का ज्ञान होता है, जैसे कटोरी, चम्मच, ऑफिस, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है, ठीक है। दूसरी ओर कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का विशेषता बता रहे हैं, जैसे ऑनेस्ट, जैसे ये सस्ती है, ये महंगी है, ये टेस्टी है, तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट बैरियर क्रिएट कर सकती है। क्लियर है यहां पर। फिर लास्ट है हमारा यहां इसमें, यही लिख देते हैं हम, यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। कभी कभी सेंडर रिसीव मैसेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करता है, लेकिन रिसीवर उन इडियम्स को समझ नहीं पाता है, उसके कारण हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है। जैसे आजकल जो भी एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो उसका एक एग्जाम्पल है कि गला काट प्रतियोगिता, यानी कि गला काटने वाली प्रतियोगिता नहीं, इसका ये फ्रेज है कि बहुत टफ कंपटीशन है। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता होता है, या उनकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के दो क्लासिफिकेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला था हमारा फिजिकल, सेकेंड था हमारा सेमेटिक बैरियर्स। ये दोनों आज हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिजिकल में देखो ये सारे हमारे बैरियर्स थे, एंड सिमेटिक बैरियर्स में ये सारे हमारे बैरियर्स थे। तो चलिए नेक्स्ट दो जो है, ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।